हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। यह है आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट 14। इसके अंदर हम देखेंगे आपका इफ एल्स इफ के बारे में। प्रीवियस वाले में हमने देखा था इफ एल्स के बारे में, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में कि किस तरीके से इसको राइट करते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, सब कुछ कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइज। एंड जस्ट की गाइज, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया जावास्क्रिप्ट की फुल ट्रेनिंग की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इफ एल्स इफ के बारे में कि किस तरीके से इसको लिखते हैं और इसको किस क्यों यूज करा जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ब्रीफ रखा है। इस ब्रीफ को मैं नहीं आपको पढ़ के बताऊंगा, बट मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने क्या मेंशन करा है। इसके अंदर सबसे पहले आपका जो इफ एल्स होता है ना, वो आपका सिंगल, इट मींस कि सिंगल आपकी कंडीशंस के लिए वो इनफ रहता है। ओके, बट आप चाहते हैं मल्टी कंडीशंस लगाना, इट मींस कि आप कंडीशन पे कंडीशन, लाइक आप 10, 20, 30, 40, 50 जितनी भी चाहे कंडीशंस लगाना चाहते हैं ना, तो उस केस में आपके पास में एल्स इफ मिलता है। ओके, इफ तो रहेगा ही आपका जो कि टॉप है, और एल्स भी है आपका जो कि सबसे लास्ट होने वाला है, बट हम चाहें तो उसके बीच में भी यहाँ पे एल्स इफ लगा सकते हैं। एल्स इफ क्यों जरूरत पड़ती है हमें, सपोज हमारे पास में मल्टी कंडीशंस लगानी है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मल्टी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए हम इस चीज को यूज करते हैं, और हम चाहें तो वहां पे ब्रिज बना सकते हैं। ठीक है, अगर वो जितने भी चाहें हम ब्रिज बना सके ना, जितने भी स्टेप्स चाहें किसी भी एक चीज के लिए, हम चाहें तो वहां पे फंक्शंस के लिए ना कंडीशंस बना सकते हैं कि लाइक वो सारे के सारे स्टेप्स पूरे होने के बाद में ही अपने एल्स पे पहुंचे। ओके, तो उस चीज के लिए हम यहाँ पे एल्स इफ का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखा है जिसका सिंटैक्स भी यहाँ पे मैंने रखा है, तो इसको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले इफ कंडीशन जो कि मैंने प्रीवियस वाले में आपको समझाई उसका स्टेटमेंट रहेगा। ओके, देन इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे एल्स इफ। एल्स इफ क्या करेगा, सपोज आपने इफ की तो कंडीशन रखी थी कि इफ होगा तो उसकी स्टेटमेंट चलेगी, नहीं तो वो एल्स में चली जाएगी। बट अब मैं क्या चाहता हूं कि अब इस वाले केस में एक और एल्स इफ आएगा। एल्स इफ में क्या करेंगे, एक और कंडीशन हम चेक करेंगे कि वो कंडीशन अगर है तो फिर उसकी स्टेटमेंट हो, तब जाके वो एल्स पे जाए, डायरेक्ट वो इफ के बाद डायरेक्ट एल्स पे नहीं जाए। ठीक है, इट मींस कि दो कंडीशंस हमारी हो गई और एल्स तो रहेगी रहेगी। तो हम चाहे जितनी मर्जी कंडीशंस यहां पे लगा सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, इसके बाद देखते हैं यहां पे नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फ्लो। इसका फ्लो चार्ट समझिए, देखिए किस तरीके से चलता है ये। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होती है पहली कंडीशन जो कि हमारी इफ होने वाली है। ओके, अगर वो यस होती है तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन चलेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी आपका, यहाँ पे स्टेटमेंट वन चलेगी और वन चलने के तुरंत बाद एरो देखेंगे आप यहाँ पे, वो एग्जिट कर जाएगी। इट मीन्स कि वो फिर आगे की जितनी भी कंडीशन होगी ना, उनको वो चेक ही नहीं करेगा। ओके, अगर कंडीशन वन नो होती है, इट मीन्स कि फॉल्स हो जाती है आपकी, तो वो कंडीशन टू पे आएगा। ओके, कंडीशन टू पे आने के बाद में वो चेक करेगा कि वो यस या नो, इट मींस कि ट्रू या फॉल्स। अगर वो यहाँ पे फॉल्स है तो वो नीचे थर्ड पे जाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पे यस है, इट मींस कि ट्रू है, तो वो स्टेटमेंट टू पे जाएगा, उसकी स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करवाएगा, और प्रिंट करवाने के बाद में वो उस यहाँ पे कोड को ब्लॉक कर देगा, इट मींस कि वहां पे एग्जिट निकल जाएगा, वो चलेगा ही नहीं आगे के लिए। अगर वो नो है तो कंडीशन थ्री पे आएगा, कंडीशन थ्री पे आने के बाद वो स्टेटमेंट थ्री को देखेगा, तो वहां पे अगर वो सही होगा तो फिर वो उसके बाद में वहां तक चलेगा, उसके बाद में फिर वो एग्जिट कर जाएगा। अगर वो ऊपर से जितनी भी कंडीशंस हमने मेंशन करी हैं, वो उनमें से कोई भी उसको मैच नहीं करती है, तब जाके वो यहाँ पे क्या करेगा, एल्स में पहुंचेगा और एल्स वाले स्टेटमेंट को रन करेगा, फिर उसके बाद में वो एग्जिट करेगा अपने फंक्शन से। ओके, तो इस तरीके से आपका चलता है इफ एल्स, और इफ एल्स के बाद में चलता है आपका कंडीशंस के लिए एल्स इफ। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और बेहतर समझने के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है मैंने पार्ट 14 जावास्क्रिप्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट .html। ये सेम वही फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। एंड यहाँ पे फाइल बना रखी है जिस तरीके से आपने देखा है हर एक पार्ट। यहाँ पे क्या करूंगा, एक एज ले लूंगा मैं। ठीक है, हम मेंशन करते हैं, मैं एज निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब किस तरीके से ये देखिए कंडीशंस लगती है ना, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको थोड़ा सा जो फोकस कर रहा हूँ ना, आपने देखा होगा प्रीवियस कुछ वीडियो से कि कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से लॉजिक लिखे जाते हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी चीजें आपको रियल वर्ल्ड में जब आप प्रोजेक्ट करेंगे ना, तभी आप जितना ज्यादा सोचेंगे तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इफ ले लिया, एज ले लिया, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, अगर वो 80 है, और इसके साथ में मैं ले लूं एंड 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 एज लेस देन 100 है। ठीक है, तो देखिए क्या होगी, मैं एज निकाल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पे लिख लूंगा आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, एंड राइट के अंदर मैं यहां पे लिखूंगा आपका यू आर राइट। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दी। अब मैं चाहता हूं इसके बाद में एल्स इफ आए हमारा।
ठीक है। एल्सिफ के लिए देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, एल्सिफ देन उसके बाद में पैराथिनथीस, इसके अंदर आप कंडीशन लिखेंगे, अगेन मैं एज ले रहा हूं, ओके एज एज के बाद में यहां पे इज इक्वल टू, ठीक है 50 एंड उसके साथ में आपका यहां पे लेस देन इज इक्वल टू, यहां पे आपका ये 80 एंड इसके भी कर्ली ब्रेसेस होंगे। इस कर्ली ब्रेसेस में आपका सेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके राइट होने के बाद में जो टेक्स्ट है ना आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहां पे चेंज कर दे रहा हूं यू आर द फर्स्ट, ओके ये चीज मैंने यहां पे दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाहर आ जाएंगे आप, एक और मैं यहां पे कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, मैं वो आपको दिखा रहा हूं, एज लूंगा मैं आपका, देन इसके बाद अगेन 30 को भी हम चेक कराएंगे एंड एंड के साथ में, एज अगर आपका लेस 45 से होगा, ठीक है ये सारी चीजें आपकी किसके लिए, कंडीशन के लिए। देखिए मैंने यहां पे कितने कंडीशन लगाई, इफ की कंडीशन है ही आपकी, एल्स इफ की भी है एक आपकी, देन अगेन आपकी एल्स इफ है, फिर मैं उसका स्टेटमेंट यहां पे दे रहा हूं, ओके ये देखिए डॉक्यूमेंट राइट एंड राइट करने के बाद में इसके अंदर आपका टेक्स्ट आ जाएगा आपका यू आर द सेकेंड, ओके ये चीज भी मैंने यहां पे मेंशन कर दी। इसके बाद में थोड़ा और नीचे आते हैं, यहां पे आएंगे आपका एल्स, ठीक है जब इन सब में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना फिर हमारा एल्स चलेगा, और एल्स में हम रखेंगे आपका डॉक्यूमेंट राइट, राइट के बाद में ये टेक्स्ट आ गया, इसको आप कर लेंगे यहां पे चेंज, ठीक है ये देखिए प्लीज राइट वैलिड नंबर, ओके ये चीज मैंने यहां पे करा। मैं जैसे ही करूंगा इसको सेव एंड सेव करने के बाद में हमने क्या रखा था, देखिए एज मेरी कितनी है अभी 55 यहां पे एज है हमारे पास, मैंने यहां पहले वाली इफ कंडीशन के अंदर क्या लगाया आपका एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 हो एंड उसके साथ में वो 100 से छोटा हो तो फिर हमारा क्या चलना चाहिए, ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए जो कि मैंने रखी थी आपकी यू आर आर राइट, ये नहीं चली हमारी। इसके बाद में मैंने सेकंड स्टेटमेंट रखी थी आपकी एल्स इफ की, ठीक है इसके अंदर मैंने यहां पे क्या मेंशन करा, एज अगर आपकी 50 है ग्रेटर 50 है और आपकी एज 80 से कम है तो फिर आपकी ये स्टेटमेंट चलनी चाहिए जो कि आपको यहां पे प्रिंट होते हुए यहां पे ब्राउजर पे दिख भी रहोगी, देखिए ये चीज, ओके इसके बाद मैंने यहां पे सेकंड कंडीशन एक और लगाई एल्स इफ एज अगर आपकी ग्रेटर देन 30 है एंड उससे 45 से छोटी है तो फिर आपकी ये चलनी चाहिए, ओके एंड उसके बाद में लास्ट वाले में हमने क्या लगाई थी कि प्लीज राइट वैलिड नंबर, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो फिर हमारी यहां पे एल्स वाली स्टेटमेंट कॉल हो, ओके यहां पे सेकंड वाली हमारी कॉल हो गई क्योंकि यहां पे हमारा क्या था 50 और 80, हमारा जो नंबर था मेरी जो एज है वो 55 है तो यहां पे 50 से ऊपर है ग्रेटर देन है एंड 80 से कम है इसलिए हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट यहां पे कॉल होगी, ओके कॉल होगी, ओके अगर मैं इसी को यहां पे कर दूं आपका 90, अगर मैं इसी चीज को यहां पे कर दूं 90 और करूं सेव, तो सेव करते ही आप देखेंगे सबसे पहले वाली इट मींस कि इफ वाले में हम जाएंगे, क्यों क्योंकि 80 से बड़ा और 100 से छोटा तो इट मींस कि यहां पे हमारा सबसे पहले वाली स्टेटमेंट यहां पे कॉल होगी। अगर मैं इस चीज को कर दूं यहां पे हमने लास्ट क्या रखा है आपका 30 तो मैं यहां कर देता हूं 40, ओके जैसी मैं 40 रखूंगा एज अपनी 40 एज रखने के बाद ना वो इफ में जाएगा पहले एल्स इफ में भी नहीं जाएगा अगेन देन वो यहां पे इफ एल्स सेकंड नंबर वाले पे आएगा जिसके अंदर हमने रखा था एज अगर 30 से ज्यादा है और 45 से कम है तो ये कॉल हो, ठीक है अगर वो इनमें से हो ही ना सपोज मेरी एज यहां पे अभी मेरी 25 एज है तो क्या होगा, तो मैं करूंगा यहां सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए तीनों स्टेटमेंट में यहां पे किसी से मैच नहीं करी उसकी वैल्यू तो वो यहां पे एल्स में पहुंचा, एल्स में हमने जो यहां पे प्रिंट करवा रखा था वो यहां पे आपको ब्राउजर पे प्रिंट होते हुए दिख भी रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका इफ एल्स चलता जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया और इस वाली वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स इफ ये दोनों मैंने आपको डाउट क्लियर करे कि किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से कंडीशन हम एक बना सकते हैं, ओके सो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, इस वाले पार्ट में जितना भी मैंने आपको बताया वो एक बार प्रैक्टिस करें, अगर आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या तो आपको क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक टेलीग्राम कहीं पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं, तो चलते हैं यहाँ पे। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, अब ये टर्नरी ऑपरेटर है क्या, किस तरीके से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, सब कुछ कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।